नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव महिंद्रा आप सभी का वेलकम करता हूँ स्टैटिक के घमासान में। और आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि, भोलेनाथ सभी पर कृपया दर्शा करें। ओके, तो भाई जल्दी से एक बार सभी लोगों को अगेन गुड इवनिंग टू ऑल द मेम्बर्स, शुभ संध्या, राधे राधे। जो भी लोग जुड़ चुके हैं उनको मैं आज बता दूँ कि जहाँ तक हो सके सिस्टम को एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जल्दी से जहाँ जहाँ तक हो सके लिंक को क्या एक बार तो शेयर कर दो जल्दी से भाई। ओके, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग बेटा। उन्मिला दास, प्रगति, वेदांत, निहारिका, सभी लोगों को शुभ संध्या, राधे राधे। और कहते हैं आज का दिन बहुत खास है तो बम बम भोले। और आज सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ जल्दी से। और कहते हैं सबसे बड़ा आज का बड़ा मोटिवेशनल कोट, जरा हम लोग से शुरुआत करते हैं। जीवन में बदलाव बहुत कठिन काम है। कहते हैं आपकी जो रूटीन है ना उसको चेंज करना बड़ा कठिन काम है। एक बार आदत हो गया ना रिलैक्स होने का तो उसको बदलना बड़ा कठिन काम माना जाए। दुनिया का सबसे टफेस्ट काम होता है आपकी रूटीन को चेंज करना। तो रूटीन को जरूर चेंज करिए अगर रूटीन सही वे में फॉलो नहीं हो रही। तभी जो हम लोग का स्लोगन है जिसको कहते हैं #selection21 को हम लोग फॉलो कर पाएंगे। तो मुझे जल्दी से बताओ तो सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से कि आप सभी लोग रेडी हैं। आज धमाकेदार 45 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और मुझे देखना है इस 45 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। ओके, मुझे बताओ जल्दी से भाई। जो भी लोग जुड़े हैं उनको अगेन गुड इवनिंग भाई। रश्मि बेटा गुड इवनिंग, बेबी चंचला गुड इवनिंग, इंद्रजीत कुमार गुड इवनिंग, वैभव रानी गुड इवनिंग, वैभव बरी गुड इवनिंग, प्रकृति सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार जहां तक हो सके आपके हाथ में है सेशन को बहुत ही ज़्यादा दबा के सर कर दो तभी भोलेनाथ सभी पर कृपा दर्शाएंगे। ठीक है, ओके। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैं अपने को हाइड कर रहा हूं। ध्यान से सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग। कहते हैं द रिवर विच फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजी, विंध्या और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहने वाली जो नदी है आपको बताना है वो नदी कौन सी। बड़े ही शानदार क्वेश्चन बेटा। आरोही गुड इवनिंग, मनदीपा मंडल बेटा गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार सभी लोगों को बता दो भाई जल्दी से कि सेशन शुरुआत हो चुकी है जल्दी से भाई। सभी लोगों को गुड इवनिंग। द रिवर विच फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज, जरा दिख रहा होगा आप सभी लोगों को नक्शे में, दिख रहा होगा मैप में। देखो ये है विंध्याज और ये है सतपुरा। अब आप अंदाज आपका लग सकता है कि कौन सी नदी इन दोनों रेंज के बीच में बह रही है। अच्छा, बहुत लोग नर्मदा कह रहे हैं और बहुत लोग ताप्ती भी कह रहे हैं, तो आंसर देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बिल्कुल सही जवाब। इन दोनों के बीच में जो नदी है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कहते हैं सतपुरा रेंज बहुत फेमस है एमपी का, है ना। उसी के बगल में देखो अरावली की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर, ईस्टर्न घाट, है ना, थार डेजर्ट जो राजस्थान में है। ओके, चलो अगला। ओजोन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, ओजोन का उपयोग क्या चीज करके पता लगाया जा सकता है। वेरी यूनिक, जरा ध्यान से NAAGHGAR। आज के स्टैटिक में धमाकेदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। लगता है आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया। बहुत लोगों तक तो बता दो भाई, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है। बेटा गुड इवनिंग दिवांशु। अच्छा, साथ में ये भी बताओ
जो ओजोन डे है हम लोग वो कम मनाते हैं। मुझे ज़रा ये भी बताओ जल्दी से कि हम लोग ओजोन जो डे मनाते हैं वो कम मनाते हैं, जल्दी से। अच्छा, सभी लोग एजी के साथ जा रहे हैं बेटा। पूनम गुड इवनिंग, ओके वेरी नाइस। चुरा देखते हैं, हमारा जो आंसर है वो एचजी है। और याद रखना 16 सितंबर को बेटा हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो याद रखना ओजोन डे मनाते हैं। जो किसने डिक्लेयर किया, याद रखना वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को, जो कि बेटा याद रखना यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। ज्यूरिक बड़ा ही फेमस जगह है, विच इज नोन एज, कहते हैं उसको कि दैट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूरो, इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ज्यूरिक जिसे हम यूरोप का वित्तीय राजधानी के रूप में जाने जाता है, किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज़ द राइट आंसर? वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। याद रखना ज्यूरिक बेटा बहुत फेमस है। और अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा हिंट भी अगर आपको होगा, यहीं पर बेटा याद रखना फीफा का हेडक्वार्टर भी है, यहीं पर फीफा का हेडक्वार्टर भी है। और उसी फीफा के अनुसार याद रखिएगा जो इंडिया की रैंक है ग्लोबल फुटबॉल में 104 नंबर पे है। बहुत ही शानदार, इसका आंसर हमारा क्या होगा? स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। अब मुझे जरा जल्दी से बता दो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे बता दो जल्दी से हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसके बाद मुझे बताओ जरा जल्दी से BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसके बाद मुझे बताओ जरा जल्दी से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और अभी फीफा का तो मैंने बता ही दिया, फीफा को क्या कहते हैं बेटा याद होगा? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और साथ मुझे बताओ जल्दी से कि यूएन यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसमें 193 मेंबर। मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा। कुंदन गुड इवनिंग भाई, उन सभी लोगों को गुड इवनिंग जो अभी सेशन में जुड़े हैं, जल्दी से मुझे बताओ सारे मेंबर। बहुत ही शानदार, अब जरा देख लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बेटा ये कहां पर है? याद रखना यह जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पर है भाई? तो ये जेनेवा में है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी बेटा स्विट्जरलैंड, सभी को बता रहा हूँ जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखना ये बहुत फेमस है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन उसकी राजधानी बर्न में है। ज्यूरिक फीफा की बात करता हूँ, और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो ये न्यूयॉर्क में। ओके अगला, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में कहाँ पर है, कौन से प्लेस में? कहते हैं ना दूध का रिसर्च करना डेयरी प्रोडक्ट का, करनाल में है, गाजियाबाद में है, बड़ौदा में है, यहाँ वी कर लो बड़ौदा में है, पटियाला में है या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द बेटा राइट आंसर, जल्दी से मुझे बताओ। आज सारे मेंबर गए कहाँ? सब वो मना रहे हैं क्या शिवरात्रि? मुझे बताओ जल्दी से। जल्दी से मुझे बताओ।
अच्छा सभी लोग करनाल कह रहे हैं, इसका मतलब सभी लोग करनाल है तो आंसर सही होगा। चलिए वेरी नाइस, तो बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर भी करनाल होगा। अरे ये कहाँ से आ गया बेटा, एक मिनट रुकना, कुछ दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ? बस सही, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी दिक्कतें होती हैं। तो याद रखना इसके जो आंसर है वो करनाल है, कहते हैं करनाल में ही इसका सारा रिसर्च है, ठीक है। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम लोग NDRI कहते हैं, लोकेटेड इन करनाल हरियाणा, कहते हैं इज ए प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजेस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब इस पे जो कंट्रोलर किसका है याद रखना, ICAR का है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, ठीक है। आगे चलते हैं, मुझे बताओ जल्दी से, सबसे बड़ा जंगल, ध्यान से, हरियाणा नहीं, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ साल फॉरेस्ट इज फाउंडेड, देहरादून वैली, नीलगिरी हिल्स, द अरावली या ईस्टर्न पेनिनसुला। जंगलों का सबसे बड़ा भंडार कहां पर पाया जाता है? हाँ वही, मतलब कहां छुट्टी मना रहे सब। थैंक यू यार, फोकस फोकस। तो याद रखना ये बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ईस्टर्न पेनिनसुला में सबसे ज्यादा, याद रखना, सॉल फॉरेस्ट पाया जाता है। ओके अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, चित्र देखो और आंसर दो बेटा। अवध राजपूत, जय महाकाल, वेरी नाइस वेरी नाइस। रश्मि शंभुनाथ मेहता, काजल चौहान, लकी सिंह, वेरी नाइस। अब मेरा क्वेश्चन अगला है, ध्यान से जरा समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल कौन सा है? बहुत ही आंसर इजी है ये, शारजाह, दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा बड़ा आसान था ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अच्छा जरा दिख रहा होगा आपको, ये है देखो छोटा सी कंट्री UAE, इसके बगल में कौन कौन सी है देखो, कतर भी है, बहरीन भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ओमान भी है, समझ रहे हैं, यानी इन सभी कंट्री से देखो बगल में घिरा हुआ है। यस बेटा, ICC का हेडक्वार्टर अबू धाबी, और UAE का कहां पर होगा तो याद रखना, ये भी कहां पर है, अबू धाबी, और यहीं पर याद रखना, बिल्कुल सही बोला, ICC का हेडक्वार्टर भी है, और इस साल अगर आपको याद होगा इस साल का जो IPL है ये भी यहीं खेला गया था। बहुत ही शानदार, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं भाई, सभी लोगों को बता दो, शेयर कर दो, ये मुलाकात बार बार नहीं होती है, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। अगला, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस? जर्मन से, कहते हैं जो इनमें से ऐसी कौन सी एयरलाइंस है जो जर्मन कंट्री से बिलोंग करती, तो मैं आपको बता दूं, लुफ्थांसा एक बहुत फेमस एयरलाइन है जो कि बिलोंग करती है जर्मनी से, इसको इवन ये कहा जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट में है, और लुफ्थाना याद रखना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन इन यूरोप, जैसे हमारे देश में नहीं लाइक इंडिगो और ये सब चीज़ें, तो याद रखना सबसे बड़ी एयरलाइंस है यूरोप की जिसका नाम है लुफ्थांसा। ओके अगला, ध्यान से जरा अगला क्वेश्चन बताना, द साइंस डीलिंग विथ द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर
इज नोन एज, कहते हैं बहुत कम तापमान के उत्पादन नियंत्रण और आवेदन से निपटने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? यस बेटा विशाल, सियोर सियोर बेटा, बिल्कुल। बहुत कम तापमान के उत्पादन नियंत्रण और आवेदन से निपटने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, किस रूप से जाना जाता है? क्रायोजेनिस, आइकोनोग्राफी, ऑस्टियोलॉजी, एथोलॉजी या साइटोलॉजी, इनमें से बेटा क्या कहते हैं मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो याद रखना इसको हम लोग कहते हैं क्राइनोजिस, ठीक है। द साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर में जो उत्पादन होता है। अगला एक बहुत प्यारा सा एक टर्म है लूनिसरी, कहते हैं बहुत हाईली एल्ड सीड एग, बीज है। आपको बताना ये जो बीज का वैरायटी है ये किसकी है, मीन्स राइस का है, वेट का है, ग्रंडेंट का है, पी का है या पोटैटो का है, चावल, गेहूं, मूंगफली, मटर या आलू, इनमें से किसका? ये एक बहुत फेमस हाई यील्डिंग सीड है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। राइस, वेट, मूंगफली, मटर या आलू, एक बार जल्दी से आप अपने ग्रुप में जहां जहां आप ऐड हो एक बार इस सेशन को जरूर शेयर कर दो, सभी लोग वापस आ जाएंगे। बहुत ही सही, तो याद रखना इसका आंसर हमारा ये राइस की बहुत फेमस एक सीड्स होती है। अगला बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैंने सामने आपके रखा है, मणिपुर के बॉर्डर पे कौन सी कंट्री है? आप नक्शा देख के बता सकते हो, क्या पाकिस्तान है, कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्या नेपाल है, क्या भूटान है, क्या बांग्लादेश है और क्या म्यांमार है, मीन्स आपको ये बताना है कि मणिपुर के बगल में कौन सी कंट्री है। और मुझे साथ में ये भी बता दो कि मणिपुर के बगल में कितने ऐसे स्टेट हैं जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि मणिपुर से सटा हुआ और कितने स्टेट्स हैं बेटा, मुझे बताओ जरा देख के। अब देखो दूर हूँ, ये हमारा है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब जरा देखो बगल में, देखो एक नागालैंड भी है, यहाँ पर आसाम भी है, यहाँ पर मिजोरम भी है, समझ रहे हैं, यानी तीन तो स्टेट्स हो गए और साथ में देखो कंट्री कौन सी है, तो ये म्यांमार। अब भाई पाकिस्तान तो हमारे इंडिया के देखो इधर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, चाइना से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि चाइना इसका पड़ोसी है ही नहीं। हाँ चाइना किसके पड़ोसी में होगा, सिक्किम में होगा, यूके में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, लद्दाख में होगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये चाइना से जुड़ी ही स्टेट्स हैं। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। अच्छा मुझे बताओ जरा इस नक्शे को देखकर कि बांग्लादेश से कितने प्रदेश हमारे सटे हुए हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से, बांग्लादेश से कितने सारे स्टेट्स हैं जो सटे हुए हैं, यानी हमारे स्टेट्स के जो पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश, उसे कौन कौन सा स्टेट टच करता है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। बेटा गुड इवनिंग चंद्रशेखर गुप्ता जी, गुड इवनिंग। तो जरा देखो ना, एक तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है दीदी का शहर, उसके बाद देखो त्रिपुरा हो गया, उसके बाद देखो मेघालय हो गया, है ना, उसके बाद देखो शिलोंग, दिख रहा। चलो अब बेटा बहुत जल्दी मैं एक सेशन में लेके आ रहा हूँ राज दर्शन, टेंशन नहीं करो, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं पूरा स्टेट कवर करूँगा, यानी उस स्टेट में जो भी न्यूज़ होती हैं मैं वो सारा कवर करूँगा, बहुत जल्दी मैं एक सेशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। राज दर्शन,
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा हो गया म्यांमार। अगला, द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो ये जो होता है हमारी पृथ्वी पर, इसके पीछे बेटा रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है मुझे बताओ जरा जल्दी से। पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन किन कारणों से होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द सन रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। वॉट इज द बेटर राइट आंसर? गुड बेटा रश्मि, वेरी नाइस। वेस्ट में एटीएम, सही है। बहुत ही शानदार, सिंपल सी बात है। ये हमारी देखो पृथ्वी है, और हम सभी को पता है कि ये सन के चक्कर लगाती है, और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से क्या होता है, कभी गर्मी और कभी सर्दी होती है। जो नज़दीक आ गया तो गर्मी, और दूर चला गया तो सर्दी, यानी कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दिस इज़ द रीज़न हमारे प्रदेश में, हमारे पृथ्वी पर गर्मी और बरसात बेटा होता है। अगला, ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन ये है कि इटली की करेंसी क्या है? डॉलर, सिलिंग, रियाल, यूरो, या इनमें से कोई नहीं। अब ये जो दो महापुरुष आपको दिख रहे हैं ना, तो जो पहले महापुरुष हैं याद रखना, इनका नाम है, याद रखना, ये राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम है सर्जियो मैटरेला। सर्जियो मैटरेला याद रखना, इस यहाँ के राष्ट्रपति हैं इटली के, और ये नए नए बने हैं यहाँ के पीएम, जिनका नाम है मारियो द्रगी। याद रखना, ये 2021 में ही बने हैं यहाँ के पीएम। इटली की राजधानी क्या होगी? तो रोम होती है ना। और इटली की जो करेंसी है, याद रखना, एक्चुअली ये यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ की जो करेंसी होगी वो क्या होगी बेटा? यूरो होगी। आई होप सभी लोगों का सही हो रहा है। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। देखो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए। इटली की राजधानी रोम होती है, इटली के राष्ट्रपति कौन हैं, तो याद रखना सर्जियो साहब हैं। इटली में नए पीएम कौन बने हैं, तो याद रखना मारियो द्रगी साहब बने हैं। वहाँ की करेंसी हमारी क्या है, तो यूरो हमारी है, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है? बहुत ही शानदार, सार्क का हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है? आज मुझे चाहिए, देखना है मुझे कि आज के विजेता कौन है। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। अब जरा देखो, हम सभी लोगों को पता है सार्क में कौन कौन सी कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं, और हम लोग को ये भी पता है 2016 के बाद इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो काठमांडू में है। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीप हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और श्रीलंका हो गया। दीज आर द आंसर हमारे हो गए, ओके। अगला, जो सार्क है इसको कहते हैं क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, एसेला रुआन जी हैं। इसका पर्पस क्या था, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें सपोर्ट करना। ये कब बना, ये बना 1985 में, बन के तैयार हो गया। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, बेसिकली ढाका में हुई थी, और इसकी पहले मीटिंग कब हुई थी, ढाका में हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है बेटा, काठमांडू में है, ओके। और याद रखना 14 के बाद मीटिंग हुई 2016 में, जो कैंसिल हो गई थी, अगर आपको याद होगा। उरी हमला याद है दोस्तों आप लोगों को, उरी का हमला,
जम्मू कश्मीर हो रही, इसी कारण से उसके बाद अभी तक कोई भी सबमिट नहीं हुई है। ये रहा सार्क की पूरी हिस्ट्री। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एज कपूरथला। बेटा वेरी नाइस आरोही, बहुत ही शानदार बेटा ब्रिजेश यादव जी, गुड, कैरी ऑन। यस, सिटी ऑफ टेंपल काठमांडू, पशुपतिनाथ भी टेंपल बेटा कहां पर है, बिल्कुल सही रश्मि आपने बोला, नेपाल में है। यस बेटा रोहित, बिल्कुल सही बोला आपने, बिफोर इट वाज इन ढाका, राइट नाउ इन काठमांडू, गुड। कपूरथला याद रखना, बड़ा फेमस पंजाब में है एक जगह, और कहते हैं यहां पर क्या है तो याद रखना, यहां पर रेल कोच फैक्ट्री है। जो रेल कोच फैक्ट्रीज होती है ना वो कहां पर याद रखना, ये बेटा कपूरथला में है, ठीक है, वेरी नाइस। अगला, वेरी फेमस लेडी सितारा देवी, कहते हैं ये कौन से डांस से बिलोंग करती है, तो याद रखना ये बहुत फेमस एक क्लासिकल डांस थी, और बेसिकली ये फेमस थी याद रखना कथक डांस से, और 2014 में इनका निधन हो गया, ठीक है। अगला, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, और ये आपका उस क्वेश्चन का हिंट है, उम्मीद करता हूँ किसी का गलती नहीं होगा, ये हिंट है क्वेश्चन का, ध्यान से ज़रा समझना। द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड एंड देयर ऑथेंटिसिटी इज नोन एज, कहते हैं जो भी आप देखते हो लिखा हुआ रहता है, पहले के ज़माने में लिखा हुआ है, लिखित अभिलेखों और उनकी प्रामाणिकता के अध्ययन के रूप में क्या कहते हैं उसको, जैसे पुराना कोई बहुत पुरानी चीज़ मिल गई, कोई बहुत पुरानी लिटरेचर मिल गया, तो उसको क्या कहते हैं, उसके रिकॉर्ड को जो मेंटेन करते हैं उसको क्या कहते हैं। वेरी नाइस बेटा ब्रजेश, पूनम, वेरी नाइस। अब जरा समझना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैंने हिंट भी दिया है, ध्यान से याद रखना, इसको ही दोस्त कहते हैं क्रोनोलॉजी। ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल सुबह में भैया हम 6 बजे उठ गए, 6:10 पे हमने ब्रश कर लिया, समझना, उसके बाद कॉफ़ी बना के पी लिया, उसके बाद तैयार होके बस में चले गए और फिर अपने ऑफिस पहुंच गए। मतलब एक एसेंडिंग ऑर्डर में जैसे जो चीज़ें क्या होती हैं बनती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। इसका हिस्ट्री में याद रखेगा बेटा, इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान, अगर ये ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता सिंधु घाटी सभ्यता कब स्टार्ट हुई, हड़प्पा घाटी सभ्यता कब स्टार्ट हुई, कौन क्या बना, कुछ पता ही नहीं चल पाता। ओके, अगला, वेरी नाइस, अगला क्वेश्चन, कहते हैं गुवाहाटी और इम्फाल को अगर कनेक्ट करने की बात कहते हैं तो किससे कनेक्टेड हैं ये, ओनली एयरवेज से, रोडवेज से, एयरवेज एंड रोडवेज से, गुवाहाटी और इम्फाल क्या चीज़ से जुड़े हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से। देखो ये आपका हो गया आसाम का गुवाहाटी, और ये हो गया आपका मणिपुर का इम्फाल, ये देखो, देख के बताओ, गलती मत करो, और याद रखना मैप से चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैप से बेटा याद रखना, राधे राधे बेटा निधि, मैप से बेटा याद रखना चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, तो याद रखना। क्या लग रहा है कहीं बीच में कहीं भी कोई पानी होनी है बीच में, कहीं नहीं, तो भाई या तो रोड होगा और या तो दोस्तों क्या होगा, एयर होगा, यानी कि ज़रा सोचो, अगर आपको मैप याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ईजिली बन जाएंगे। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ओनली एयरवेज एंड रोडवेज, दिस इज द राइट आंसर। अगला, मिल्क को नापने का यंत्र, कि दूध कितना प्योर है, कहते हैं ना दूध कितना प्योर है, दूध कितना प्योर है मिल्क, अगर मैं बोलूं तो इसको जिससे नापते हैं दोस्त याद रखना, उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। बेटा हर हर महादेव, जय हो बाबा विश्वनाथ की जय, जय हो बाबा विश्वनाथ की जय, वेरी नाइस, द आंसर इज लैक्टोमीटर। बेटा निधि गुप्ता जी याद रखना, अभी जो ट्रेंड देखा गया है, मतलब इससे बुरा भी क्वेश्चन आ रहा है, वेरी नाइस, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर।
ओके अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा फूड है और खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जरा ध्यान से, कौन सा विटामिन सी का सोर्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो याद रखना, पोटैटो में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, लेकिन याद रखना फिश में विटामिन सी पाया नहीं जाता है। सो दिस इज द विटामिन सी बेटा। बेटा राहुल यादव जी, मैं महिंद्रा के भी आलमबाग ब्रांच में नहीं हूं। यस बेटा बिल्कुल, कर्ड के एसिड को लैक्टिक एसिड्स भी कहते हैं। आप लोग चाहोगे ना दोस्तों तो सभी तक ये सेशन पहुंच जाएगा, धमाकेदार सेशन हो रहा, सभी को फायदा हो भाई। वीक में दो ही बार मुलाकात हो पाती है, मंडे और थर्सडे को, और आज है थर्सडे। अगला, यह क्वेश्चन गलत मत करना, बड़ा ही आसान है, बड़ा प्यारा है। यह क्वेश्चन याद रखना, दो बार एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है ये, याद रखना ध्यान से। द पार्लियामेंट ऑफ जापान को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे यूएसए का क्या होता है? सीनेट। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी प्रकार आपको बताना है जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। बड़ा ही प्यारा है यार। अब जरा देखो ध्यान से, जैसे नहीं हमारे यहां दो सदन है, एक सुना होगा आपने लोकसभा और एक सुना होगा आपने राज्यसभा, है ना। उसी प्रकार जापान में भी दो हाउस है, याद रखना। एक को कहते हैं हाउस ऑफ काउंसलर, जो वहां का अपर हाउस है, जो वहां का बेटा क्या है? अपर हाउस है। और याद रखना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां का लोअर हाउस है। जैसे नहीं हमारे यहाँ लोकसभा इज लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस, और याद रखना दोनों मिला के 710 सीटें होती हैं। और जो सरकार बनती है, यानी जो अभी जो हाइड साहब वहाँ के जापान के पीएम हैं, वो इसी पार्टी के होंगे, यहीं से चुन के गए होंगे, तभी बने होंगे वहाँ के क्या, याद रखना बेटा, पीएम। बेटा वेरी नाइस। हाँ, अफगानिस्तान की सोरा, यस बेटा, यूएसए की सीनेट, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। सबसे मजेदार तो पाकिस्तान की मंजलिस ए सोरा, गुड रोहित, नाइस, गुड, यस। इसका आंसर होगा डाइट, बिल्कुल सही जवाब लोगों का आया है, बिल्कुल। अच्छा बहुत लोगों का गलत आया, अच्छा बहुत लोगों ने मार दिया। जैसे मैं बताऊं किसका किसका डाइट आया है, विशाल बेटा, हो विशाल का आया, उसके बाद विशाल सिंह का आया, उसके बाद बेटा निधि गुप्ता का भी आया, पूनम का बेटा है, रश्मि का आया, मोहम्मद करम जी का भी आया, आरोही का भी आया, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, यस बेटा, डाइट, बिल्कुल बहुत ही शानदार। और जापान के पीएम का नाम क्या है बेटा? तो याद रखना योशिहाइडे सुगा जी हैं, सुगा जी वहां के जापान के पीएम है। अगला, सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उसका नाम मुझे बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से सऊदी अरेबिया की करेंसी का नाम मुझे बताओ, डॉलर है, रियाल है, दिनार है, क्रोनर है, या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द बेटर राइट आंसर, व्हाट इज द बेटर राइट आंसर। अच्छा जो भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया काइंडली लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरा सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से। अभी आगे देखना और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले, टेंशन नहीं लेना, पूरा सेशन देखना है सभी लोग, ठीक है, पूरा सेशन देख के जाना सभी लोग, ओके, वेरी नाइस। सभी लोग दिनार मान रहे हैं, अच्छा दिनार नहीं है, आंसर यहाँ होगा रियाल, याद रखना सऊदी अरेबिया की करेंसी बेटा क्या है? रियाल, रियाल इज द राइट आंसर। अगला, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बेटा पढ़िएगा, कहता है जो हमारा आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, यानी हमारे जो अनुच्छेद 45 है वो किससे रिलेटेड है? बहुत ही शानदार, ध्यान से जरा इसको देखना। पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14, यानी कि 14 वर्ष तक सभी को शिक्षा का अधिकार है।
दूसरा कहता है सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, यानी हमारे देश में जो अल्पसंख्यक को हितों की रक्षा की बात कही जा रही है। रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन गवर्नमेंट जॉब, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द पार्लियामेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी जरा सोचो यह जो आर्टिकल है ये कौन सा है मुझे बताओ। बहुत ही शानदार, गुड बेटा प्रगति राहुल मोहम्मद अकरम जी, यस वेरी नाइस बेटा, बहुत ही बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बिल्कुल अगर आपने बोला बिल्कुल सही है, याद रखना शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कहते हैं ना हमारे देश में, सुना होगा ना आपने, स्कूल चले हम सभी को शिक्षा का अधिकार है एज ऑफ 14 तक, चाहे उसके पास पैसा हो अथवा पैसा नहीं हो। अगला, जो राजस्थान की मिट्टी है उसमें कौन सी मात्रा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, ये क्वेश्चन याद रखना एक बार एमटीएस में पूछा गया है, और याद रखना एक बार पूछा गया है बेटा रेलवे के एग्जामिनेशन में। वेस्टर्न राजस्थान में जो मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है। बेटा निधि गुप्ता जी, मैंने एक सेशन लिया है ट्रिक पर याद करने वाला बेटा, यस गुड विशाल, वेरी नाइस, तो देखो मैं करता हूँ, मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है, वेरी नाइस बेटा विशाल, वेरी नाइस, सभी बहुत टैलेंटेड हैं। एक बार जरा आज महाशिवरात्रि है, बोलो जय महाकाल सभी लोग। तो याद रखना सबसे ज़्यादा कैल्शियम बेटा, सॉरी सबसे ज़्यादा कैल्शियम राजस्थान की मिट्टी वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। अगला, स्पोर्ट्स डे हम लोग हर साल मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे हम लोग हर साल मनाते हैं, आपको बताना है कि ये जो स्पोर्ट्स डे मनाते हैं यह किनके सम्मान में मनाते हैं। विजय मर्चेंट जी के सम्मान में मनाते हैं, या ध्यानचंद के सम्मान में मनाते हैं, या मेहर सेन के सम्मान में मनाते हैं, या ऑल द स्पोर्ट पर्सन हु ब्रॉट ऑनर टू द कंट्री इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स उनके सम्मान मनाते हैं। याद रखना जय शिव शंभु जय महाकाल, तो याद रखना यह बेटा ध्यानचंद बहुत फेमस हॉकी के विजेता जादूगर कहते हैं उनका बर्थडे है जो होता है हर साल 29 अगस्त को, उन्हीं के बर्थडे में मनाते हैं, क्या याद रखना नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ओके अगला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस वेदांत राहुल पूनम आरोही रश्मि विशाल निधि प्रगति मानव महेश्वरी नूतकला मनदीपा चिनू जी रोहित मानव रश्मि लकी राहुल सिवेन सुस्मिता, सभी लोगों को भाई, सभी लोगों को शानदार, वेरी नाइस। याद रखना भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो ओपन किया गया है ये किया गया हैदराबाद में, पता होगा हैदराबादी शहर को 2020 का ट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला शहर भी हो गया है। ठीक है, अगला, वर्ल्ड पोएट्री डे हम लोग कब मनाते हैं, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 28 फरवरी को, 21 मार्च को, या 6 अप्रैल को, मुझे बताओ जरा जल्दी से, विश्व कविता दिवस मुझे बताओ जरा जल्दी से। जय हिंद समीर जी, जय हिंद। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। जब भी कभी लाइफ में डिमोटिवेट होना कुछ नहीं, बस शीशे में देखना है और क्या कहना है, जो भी होगा देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना लाइफ में कभी भी। जब भी डिमोटिवेट होना अपने माँ बाप का चेहरा याद करिए और शीशे में देख के क्या कहोगे, जो भी होगा देख लेंगे, टेंशन नहीं है, है ना। वेरी नाइस, बहुत शानदार, याद रखना 6 अप्रैल को नहीं 21 मार्च को, इसी मार्च में मनाएंगे वर्ल्ड पोएट्री डे मनाते हैं। ठीक है, अगला, ये गलत मत करना, प्लासी का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध था दोस्तों, अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं तो ये तो एकदम रट जाना चाहिए, प्लासी का युद्ध
बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या इनमें से कोई नहीं? मुझे बताओ जरा जल्दी से। वेरी नाइस चैंपियंस यार, बहुत शानदार। देखो बहुत लोगों ने कहा था सिराजुद्दौला, ये युद्ध को तो भूलना नहीं है। आरोही ने भी कहा ए, सभी लोग ए कह रहे हैं। देखो ये बिगेस्ट मैच चैलेंज है बेटा, सिर्फ एक गलती हुई है राहुल सिंह की। याद रखना सामने था अंग्रेज का क्लाइव हुड, याद है ना, अंग्रेज क्लाइव, और यहाँ थे लीड कर रहे थे कौन? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। उन्हीं के बीच में यह बहुत फेमस युद्ध हुआ था अगर याद होगा। और कहते हैं उधर सामने था रॉबर्ट क्लाइव जो टीम को लीड कर रहा था, और यहाँ कौन थे? सिराजुद्दौला। हाँ उनकी टीम में दीवान मोहनलाल, मीर मादिन, जाफर अली खान थे, बट लीड कौन कर रहा था? सिराजुद्दौला। ठीक है, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी गुड। अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से जरा देखना। गोल्डन कॉरिडोरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वॉज इनिशिएटेड बाय, कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी किनके शासनकाल में? यही मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता होते हुए दिल्ली, दिस इज कॉल, याद रखना, इसी को कहते हैं गोल्डन कॉरिडोरल प्रोजेक्ट, जो कि करीब दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है और दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। दिस इज कॉल, याद रखना, ये बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है इंडिया का। हाँ बेटा, हम लोग बिल्कुल हार गए थे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, हार नहीं मानूंगा, बहुत सही, चलो वेरी नाइस। आंसर हमारा क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर ये वाजपेयी साहब ना होते तो शायद हमारे देश में आज न्यूक्लियर भी ना होता, याद है पुखराम। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी नाइस। अगला, ये फोटो भी लगातार न्यूज में है, आपको बताना है जो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू चाबहार पोर्ट, यानी कि जो चाबहार पोर्ट है इससे रिलेटेड आपको टर्म चुनना है कि कौन सा कथन बेटा सही है। अब जरा समझना ध्यान से, कहता है पहला पॉइंट, यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, ठीक है भाई। दूसरा, यह देश के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्वी विकास मार्ग का प्रवेश द्वार है, तो याद रखना ये दोनों ही बेटा क्या है सही है, यानी आंसर हमारा होगा बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर बेटा। राहुल यादव जी बिल्कुल, अगर सिलेक्शन हो गया तो तैयारी अच्छी है टू ऑल द मेंबर, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग को मेहनत और भी ज्यादा करना है। बहुत ही शानदार, वेरी गुड, आंसर हमारा क्या होगा? बोथ वन एंड टू। अगला, पहले किसान रेल ने कौन सा मार्ग अपनाया था, यानी सबसे पहले हमारे देश में जो किसान रेल स्टार्ट किया गया था वो कौन से प्रदेश में किया गया था? मुझे बताओ जरा जल्दी से, याद होगा पहला, और मुझे बताओ दूसरा भी बताओ, दोनों कि जो फर्स्ट किसान रेल है वो भी बताओ, और मुझे बताओ जो दूसरा किसान रेल स्टार्ट हुआ था दोनों का मार्ग क्या है। तो याद रखना जो बेटा पहला है, जो बेटा पहला है याद रखना, वो स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। बिहार में अगर याद होगा दानापुर, ठीक है, और याद रखना देवलाली, महाराष्ट्र का देवलाली, ओके। और दूसरा याद क्या था बेटा? दूसरा याद रखना, दूसरा चला था आनंदपुर से, जो सेकंड नंबर पे था, याद होगा दूसरा चला था बेटा आनंदपुर से। अब वो कहां तक चला था? याद होगा आपको दिल्ली तक, है ना? यस, वेरी नाइस, इज द राइट आंसर। अगला,
पंपा सागर बांध दिख रहा होगा आपको, ये बांध बड़ा ही फेमस बांध है। पंपा सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी या नर्मदा? कहते हैं पंपा सागर डैम जो बनाया गया है वो कौन सी नदी पर बनाया गया बांध है, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो याद रखिएगा ये कर्नाटका में है बेटा, ये कहां पर है, कर्नाटका में, ठीक है। कौन सी नदी पर, याद रखना तुंगभद्रा नदी पर। अगला, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज बिन डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स विच ईयर? संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस वर्ष इंटरनेशनल वर्ष ऑफ मिल्ट्स घोषित किया गया है? याद रखना हर साल किसी न किसी रूप में इसको घोषित किया जाता है, तो इंटरनेशनल वर्ष ऑफ मिल्ट्स के रूप में कौन से इनको घोषित किया गया? मुझे ये भी बताओ कि 2021 को क्या घोषित किया गया है। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। वेरी नाइस। तो याद रखना 2023 को ये घोषित किया गया है, और याद रखना 21-22 को, 21 को किया गया है याद, फ्रूट्स और वेजिटेबल ईयर के रूप में। याद रखना 2021 को घोषित किया गया है फ्रूट एंड वेजिटेबल के रूप में। ओके, व्हाट इज संसद टीवी? संसद टीवी क्या है? एक नई स्क्रीन है जो इंस्टॉल की गई है आउटसाइड द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, या कोई नया चैनल है जो डीडी के प्लेस में स्टार्ट हुआ है, या कोई एक चैनल है जो फॉर्म बाय मर्जर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को मर्ज करने के बाद बनाया गया। संसद क्या है? भारत की संसद के बाहर एक नई स्क्रीन लगाई गई है, डीडी की जगह एक नया चैनल शुरू किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय से एक नया चैनल का गठन हुआ है, उसका नाम है, या इनमें से बेटा कोई नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर मुझे बताओ जरा जल्दी से। और हाँ, लास्ट में मुझे बताओगे भी कि आपका स्कोर कितना आया, समझ रहे हो? ध्यान में मुझे लास्ट में बताना कि सर मेरा स्कोर इतना आया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। नाइस ओंड्रला सुनील यादव जी, वेदांत, प्रगत मानव, अंजलि अपर्णा, रश्मि, निहारिका, सुनील, ब्रजेश, वेरी नाइस। चलो, पता होगा भी हाल ही में न्यूज में भी रहा था, अब लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग टीवी नहीं होगा, दोनों मर्ज हो गए, अब एक ही टीवी हो गए, संसद टीवी वही टेलीकास्ट करेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 3 इज द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ डे 2021? वन जीव दिवस 2021 का विषय क्या है मुझे बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ डे 2021? यस ब्रजेश, नाइस, दोनों का बेटा मर्ज कर दिया गया। नाइस विशाल, नाइस, गुड। चलो, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनेबल पीपल एंड प्लैनेट, याद रखना ये इस वर्ष का थीम है, फॉरेस्ट, लाइवलीहुड, सस्टेनेबल पीपल एंड प्लैनेट, याद रखना, दिस इज कॉल्ड थीम, दिस इज कॉल्ड थीम। अगला हमें, अच्छा ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ जितनी भी गर्ल्स हैं ना वो गलत मत बताना, कुछ करना मुझे देखना, मुझे बताना किनका सही हुआ। दुनिया में ऐसा कौन सा कलर है जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है? वोमेंस डे हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को,
ऐसा कौन सा कलर है जो दुनिया में सिंबल करता है वुमेन्स को, मुझे बताओ जरा जल्दी से। गलत मत करना कोई लोग भी, जितने भी गर्ल्स गलत मत करना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही ये प्यारा क्वेश्चन है, मुझे देखना है किनका ये क्वेश्चन सही होता है। वेरी नाइस भाई, किसी भी गर्ल से गलत ना होना चाहिए। अच्छा, किसी ने वन भी मारा, किसी ने वन भी कहा, याद रखना वन वाला जो कलर पिंक है ना, पिंक पसंद तो है, पिंक पसंद तो होता है, बट पिंक याद रखना पिंक बस पसंद ही होता है, उसकी कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं है। अगर ग्लोबल रिप्रेजेंट करना है अपने आप को तो कौन सा कलर याद रखना, पर्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, ना ही सभी लोगों का पिंक बस पसंद होता है लेकिन ग्लोबल उसकी वैल्यू नहीं है। ओके, नाइस टू एवरीबॉडी, यार नाइस, वेरी गुड। द फर्स्ट एशियन गेम वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, वो दूसरा देश नहीं है, वो देश हमारा भारत है जहां पर पहले एशियाई खेल गेम हुए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इतिहास में 4 मार्च का दिन भारत में पहले एशियाई खेलों के आयोजन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं 1951 में 4 से 11 मार्च तक नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो गया, इंडिया इज द राइट आंसर, याद रखना। अब मुझे बताओ सभी लोग, मैंने आज एक नया इनिशिएटिव लिया है, इसका आंसर मैं बताऊंगा मंडे को, क्या रेडी हो सभी लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, मुझे बताओ सभी लोग रेडी हो। और याद रखना इसका आंसर आपको यहां नहीं देना है, इसका आंसर आपको यहां नहीं देना, मैं पहले बोल रहा हूं, इस आंसर कहां देना है, इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे याद रखना आपको देना है। जब कुछ देर बाद वीडियो जब बंद हो जाएगा ना, स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी, तो आप देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपको यहां आंसर नहीं देना, मैं फिर से बोल रहा हूं। ओके, और जिन जो टॉप 5 नेम होंगे, जो टॉप 5 जो सबसे पहले देंगे उनका नाम याद रखना, मैं मंडे को अनाउंस करूंगा लाइव। ओके, तो तैयार, ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन, ध्यान से। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता उनका नाम क्या है, ध्यान से, यहां आंसर नहीं देना है, आंसर कहां देना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भी जैसे ही सेशन ये खत्म होगा आपको ये सेशन डालना है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, कहते हैं अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग क्या होता है। और तीसरा, हमारे देश में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज वैलिड है, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन अवर कंट्री, इन भारत में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। गॉट इट एवरीवन, यहां बेटा नहीं देना है किसी को आंसर, और आज जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए वो मुझे कहां बताओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके, तो ध्यान से एवरीवन, जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए वो कहां बताओगे, इस टेलीग्राम ग्रुप में, मैं वेट कर रहा हूं सभी लोगों का। पहला क्वेश्चन, ये आपका टास्क ऑफ द डे है। ओके, दूसरा काम क्या करना है, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं उसी के आंसर आपको देना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बेटा ब्रजेश यादव जी, कोई टेंशन नहीं, गलत है तो सही भी तो होगा आगे चलकर, और अगर चैनल सेशन पसंद आया तो मुझे जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो भी आज नए जुड़े उनको मैं कहना चाहता हूँ, मैं मंडे और थर्सडे को आता हूँ 7:30 पे स्टैटिक का सेशन लेके, बहुत डिमांड पर आता हूँ, ठीक है। और सवेरे अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और बैंकिंग, तो मुलाकात करिए डेली 11:30 पर मेरे साथ महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ओके, तो थैंक यू टू ऑल, टेक केयर, हमेशा याद रखिए, और जब भी कहीं डिमोटिवेट हो तो क्या कहोगे, जैसा भी होगा।